Assalamualaikum, क्या हाल है बच्चों? आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने रिएक्शंस टू चेंज डिस्कस किए थे। टुडे वी विल टॉक अबाउट मैनेजिंग चेंज। एज वी डिस्कस्ड के इस चैप्टर को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज चेंज, चेंज है क्या, चेंज का प्रोसेस क्या है, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मैनेज चेंज। सो द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट व्हाट इज चेंज एंड द सेकंड पार्ट टॉक्स अबाउट हाउ टू मैनेज चेंज। पहले पार्ट के अंदर In the first part, we have discussed a few topics like let me write it down for you. पहले पार्ट में हमने जो कुछ की टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सो वी हैव डिफाइंड वॉट इज चेंज, चेंज है क्या। इसके अंदर हम लोगों ने जो की कंटेंट रिव्यू किए हैं दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड नेचर ऑफ चेंज, रादर वी डिफाइंड चेंज, एंड नेचर ऑफ चेंज इसमें हमने डिस्कस किया है चेंज की टाइप्स, चेंज के मैग्नीट्यूड्स और चेंज के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। एंड वी डिस्कस्ड ट्रिगर्स ऑफ चेंज, हमने बात की ट्रिगर्स ऑफ चेंज की। दो किस्म के ट्रिगर्स होते हैं, वी डिस्कस्ड एक्सटर्नल ट्रिगर्स जिसमें हमने पेस्टल डिस्कस किया, एंड वी टॉक्ड अबाउट सम इंटरनल ट्रिगर्स। दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ यस्टरडेज डिस्कशन। And after discussing triggers of change, we discussed reactions of people to change, reactions of employees to change. How do employees react to change? Employees कैसे react करते हैं change की तरफ? So that is what we talked about. और reactions to change में हमने discuss किए चार किस्म के reactions: willing and enthusiastic acceptance. We discussed begrudging acceptance. We discussed entrenchment, and we discussed strike action. यहाँ पे what is change की debate खत्म हो जाती है। अगली debate start होती है how to manage change. Change को कैसे manage करेंगे? How to manage change में we will first of all talk about how to manage change में हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले। चेंज के अंदर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंज, चेंज का प्रोसेस क्या होता है, चेंज के स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, चेंज एजेंट्स कौन होते हैं और चेंज स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट। देन वी विल डिस्कस लेवल्स ऑफ चेंज, हम चेंज के लेवल डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट के स्किल्स क्या होते हैं। And then we'll discuss models of change. Change के चार models discuss करेंगे। पहला model हम discuss करेंगे Kurt Lewin का, four field model. Then we'll talk about Kurt Lewin. दूसरा model हम discuss करेंगे Kurt Lewin का, perspective planned change theory. Then we'll talk about Gemini 4R model. And then we'll discuss McKinsey 7S framework. So आज हम इंशाल्लाह यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसेस ऑफ चेंज, चेंज स्पॉन्सर्स, एंड वील सी कि हम आज लेवल्स तक एटलीस्ट डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम छुट्टियों के बाद
कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो ये एक क्विक सा रोड मैप है, क्विक सा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। सो टॉपिक स्टार्ट्स विद मैनेजिंग चेंज। चेंज ऑब्वियसली इट्स अ कांस्टेंट फैक्टर, इट हैज टू बी देयर। प्रिपरेशन रिगार्डिंग किस चीज की तैयारी जानेगी? इट्स ऑन वेंसडे नाइट, लेट नाइट ऑन वेंसडे। तो अभी है 3 दिन, हो जाएगी तैयारी इंशाल्लाह। अजान हो रहे, 2 मिनट दीजिएगा। This conference will now be recorded. चेंज एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है। रिसेंटली ड्रास्टिक ऑल्ट्रेशंस इन बिजनेस मॉडल, नो इट्स कतर एयरवेज। बिजनेस मॉडल्स में चेंजेस आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से, इट हैज नाउ बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टू मैनेज एंड कंट्रोल द प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम कैसे चेंज को मैनेज करते हैं। एज वी डिस्कस्ड के चेंज प्रेजेंट स्टेट से एक डिजायर्ड स्टेट में जाने का नाम है, और इसके दरमियान में ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन मीन्स मूवमेंट होती है। प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जो चेंज का प्रोसेस है, इसका वीएन कौन लेके आता है? कौन ये डिसाइड करता है कि हमने चेंज होना है? इसे हम चेंज स्पॉन्सर कहते हैं। चेंज स्पॉन्सर इज द पर्सन हु आइडेंटिफाइज द नीड फॉर चेंज। चेंज स्पॉन्सर इज द पर्सन who brings in the investment for change. Change sponsor is the person who has the authority to initiate the change. ठीक है। और जब ये transition phase आती है बीच में, तो change को कैसे smooth करना है, change को कैसे कामयाबी से implement करना है, इसके लिए हमें चाहिए होता है change agent. तो sponsor जो होता है, ये again एक एक दो दो नंबर की key definition है paper के point of view से। Change sponsor is the person or a group of persons who has the authority to initiate the change process, who actually saw a need for change and then took the action needed to include needed including making investments to bring about the change process. With organizational change management, ek idare ke andar jo change management ka process hota hai, usme project sponsors can be the board of directors. For example, board aapka project sponsor ho sakta hai. बोर्ड के अंदर जो लोग होते हैं, दे कैन बी द इनिशिएटर्स ऑफ चेंज। चेंज एजेंट वो बंदा है जो चेंज को एग्जीक्यूट करता है, द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द चेंज। चेंज एजेंट्स जो होते हैं, ये चेंज की प्रोग्रेस पे रिपोर्ट करते हैं टू द चेंज स्पॉन्सर्स, एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू हेल्प द चेंज प्रोसेस रन स्मूथली। कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं ताकि चेंज प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो सके। इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजर मैनेजमेंट, एक चेंज एजेंट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। दोनों के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। इनसाइट से मुराद है कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई को या किसी डिपार्टमेंट के हेड को जिम्मेदारी सौंप दें कि वो चेंज के पूरे प्रोसेस को लुक आफ्टर करेगा, वो चेंज को मैनेज करेगा। और एक्सटर्नल से मुराद ये है कि आप एम्प्लॉई कंपनी के बाहर से आप एक बंदा हायर कर लें, हायर समवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और वो कंपनी के बाहर से एक कंसल्टेंट जो है वो आए और वो आगे पूरे चेंज के प्रोसेस को हेल्प करे, इसे आउटसाइड कंसल्टेंट कहते हैं। दोनों के फायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं। अगर आप कंपनी के अंदर से बंदे को चेंज एजेंट बना रहे हैं, तो उसका फायदा भी है और ड्रॉबैक भी है। फॉर एग्जाम्पल, उसका फायदा ये है दैट ही माइट बी नोइंग द कल्चर ऑफ द कंपनी इन अ बेटर मैनर। वो कंपनी का कल्चर बेहतर जानता होगा, वो उसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पता होगा, वो लोगों को जानता होगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड कंसल्टेंट लेके आ रहे हैं, सो ही माइट हैव इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, द कल्चर ऑफ द कंपनी, द ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। इसका प्रो क्या होता है? आउटसाइडर जो है, ही इज अ बेटर पर्सन इन टर्म्स ऑफ ही हैज एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ही सीन एज अ न्यूट्रल पर्सन, उसको लोग न्यूट्रल के तौर पर देखते हैं। इनसाइडर जो है, दे माइट नॉट हैव एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, दे माइट बी बायस्ड, दे माइट नॉट बी न्यूट्रल। इसी तरह आउटसाइडर जो है, दे आर मोर लाइकली टू टेक ड्रास्टिक डिसीजंस लेते हैं एज कम्पेयर टू इनसाइडर, क्योंकि आउटसाइडर ने तो डिसीजन लेके चेंज को इम्प्लीमेंट करके अपनी फीस चार्ज करके चले जाना है ना। ही इज नॉट गोइंग टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर द चेंज इज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जो इंटरनल मैनेजर्स होते हैं, दे आर मोर थॉटफुल, दे आर वेरी ओवर कॉशियस, हाईली ओवर कॉशियस, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता गलत डिसीजन हो गया, तो इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं ना, फिर इनको अपने डिसीजंस का जवाब देना होना। सो दैट इज हाउ, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं दोनों।
चेंज एजेंट्स आप इंटरनली भी डिप्यूट कर सकते हैं, चेंज एजेंट्स को आप एक्सटर्नली भी डिप्यूट कर सकते हैं। अगेन ये वैसे डिपेंड भी करता है कि चेंज कितना बड़ा है, वरना मतलब नॉर्मली फॉर मेजर चेंजेस, फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन हायर चेंज एजेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस के लिए कंपनीज जो है वो चेंज एजेंट्स हायर करती हैं, बाहर से लोग लेके आती हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, इंटरनल मैनेजर्स कैन बी इक्वली बेनिफिशियल, चेंज कंसल्टेंट्स कैन बी इक्वली बेनिफिशियल, देन देयर आर सम स्टेक होल्डर्स ऑफ चेंज। चेंज के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब आप किसी भी चेंज प्रोसेस को लेके आते हैं तो कंट्रोल करना स्टेक होल्डर्स को और उनके इंटरेस्ट को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। इन डूइंग सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर किस सेगमेंट से बिलोंग करता है। ये वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था ऊपर थर्ड चैप्टर में, स्टेक होल्डर ग्रुप आप बनाते हैं, की प्लेयर्स कौन है, की सेटिस्फाइड कौन है। तो इसी तरह किसी भी चेंज प्रोसेस से आप स्टेक होल्डर्स बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स के ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन यू ट्रीट देम बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन टू चेंज। फिर आप उन्हें ट्रीट करते हैं उनके रिएक्शन की बेस के ऊपर, हाउ आर दे रिएक्टिंग टुवर्ड्स द चेंज, यू ट्रीट देम बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक चेंज प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होंगे दैट विल बी हाईली अफेक्टेड और कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होंगे दैट विल नॉट बी अफेक्टेड। कुछ स्टेक होल्डर अपने आप को एडजस्ट करेंगे और कुछ स्टेक होल्डर जो है वो स्टेटस क्वो में रहना पसंद करेंगे। जैसे हमने कल एग्जाम्पल ली थी, एक अमेरिकन कंपनी अपना प्रोडक्शन प्लांट जापान लेके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हैज डिसाइडेड टू टेक देयर प्रोडक्शन प्लांट फ्रॉम अमेरिका टू चाइना। ठीक है, लेट सपोज अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, तो अमेरिका ने डिसाइड किया, एप्पल ने डिसाइड किया कि अपना अमेरिका से उठा के चाइना ले जाते हैं। अब इस डिसीजन का इम्पैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज पे आएगा, कुछ एम्प्लॉयज इस डिसीजन को विलिंगली और एंथुजियास्टिकली एक्सेप्ट कर लेंगे, अब एडजस्ट कर लेंगे, कुछ एम्प्लॉयज जो है वो इसको रेजिस्ट करेंगे, एंट्रेंच करेंगे। स्टेटस क्वो का कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि हम इंसान जो होते हैं ना, वी वॉन्ट टू स्टे इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी। स्टेटस क्वो कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मनी को, जो हो रहा है जैसे हो रहा है हम चाहते हैं वैसे ही होता रहे, इसे स्टेट ऑफ हार्मनी कहते हैं। हम किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते बेसिकली, बिकॉज स्टेट ऑफ हार्मनी टूटती है। स्टेटस क्वो से मुराद ये है कि वी वॉन्ट थिंग्स टू मूव ऑन एज दे आर मूविंग। इसकी बड़ी तल्ख हकीकत जो है वो जिंदगी है, वी नेवर वॉन्ट टू लूज एनी वन बिलवड, ऐसे ही है ना। वी कैन नेवर थिंक ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स, वी कैन नेवर थिंक ऑफ लूजिंग आवर सिबलिंग्स। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक स्टेट ऑफ हार्मनी बरकरार रहे। ठीक है, इसे स्टेटस क्वो कहते हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ी जो कड़वी हकीकत है जिंदगी की वो लाइफ ही है अपने आप में, कि वो लाइफ जो है ये स्टेट ऑफ हार्मनी तोड़ देती है आपकी इफ वी लूज समवन। अल्लाह ताला सबके प्यारों को सलामत रखे, लेकिन व्हेन यू लूज समवन स्टेट ऑफ हार्मनी डिस्टर्ब होती है। तो इंसानी फितरत है कि हम चाहते हैं कि हम स्टेटस क्वो में रहें, हम स्टेट ऑफ हार्मनी में रहें, और जब स्टेट ऑफ हार्मनी डिस्टर्ब होती है तो हम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रेजिस्ट इट। इसी तरह देर आर सम पीपल हु माइट विन इन अ चेंज प्रोसेस, देर आर सम पीपल हु माइट लूज व्हेन अ चेंज इज ब्रॉट। फॉर एग्जांपल एप्पल ने कहा कि हम अपना प्लांट उठा के चाइना लेके जा रहे हैं। ओके, अब जस्ट इमेजिन के एप्पल के प्लांट पे 2000 एम्प्लॉइज काम करता था, जिसमें से 50 एम्प्लॉइज ऑलरेडी चाइनीज ओरिजिन था, वो तो ऑलरेडी अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका में नौकरी कर रहे थे, तो उनके लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है, उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि वो वापस अपने होम टाउन जा रहे हैं, वो वहां जाके वो अपडेट करेंगे। तो दे विल विन, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू विन एंड बी द वंस हु मे लूज। कुछ ऐसे भी होंगे जो लूज करेंगे, जैसे जो अमेरिकन एम्प्लॉइज होंगे उनको जब आप फोर्स करेंगे वो चाइना जाके ऑपरेट करें, तो दे माइट बी लूजिंग। इसी तरह देर आर सम हु हैव एन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट एंड देर आर सम हु डू नॉट हैव एनी कमिटमेंट। आप प्रोडक्शन प्लांट को चाइना लेके जा रहे हैं तो प्रोडक्शन के जो लोग हैं वो ज्यादा अफेक्ट होंगे, मार्केटिंग के लोग अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो आपका अमेरिका में ही रहेगा, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो आप उठा के ले जाएंगे चाइना में। सो पीपल माइट बी हाईली अफेक्टेड व्हेन यू आर गोइंग टू मेक सच काइंड ऑफ अ डिसीजन। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट प्ले अ पिवोटल एंड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपको। चेंज के स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, चेंज एजेंट्स कौन होते हैं,
फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक व्हाई ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर इंटरनल चेंज मैनेजर्स ओवर एक्सटर्नल चेंज मैनेजर एंड और वाइस वर्सा. अगेन क्वेश्चन सोचा करें. अब ये जो पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है इसका सवाल क्या बन सकता है? इसका सवाल ये बनता है व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर इंटरनल चेंज मैनेजर्स ओवर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स. ये एक सवाल बन सकता है 2-3 नंबर का, या इसका वाइस वर्सा भी आ सकता है. व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स ओवर इंटरनल चेंज मैनेजर्स. तो फिर आप उसके प्रोज बताएंगे, उसके कॉन्स बताएंगे, ठीक है ना. इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है. स्टेक होल्डर्स पूछ सकता है कि किस तरह से स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं किसी भी चेंज को मैनेज करने के लिए, स्पेशली अगर वो चेंज प्लान्ड है. इफ द चेंज इज प्लान्ड यू नीड टू मैनेज द चेंज बाय डिसाइडिंग फ्रॉम वेयर यू करंटली आर एंड वेयर यू वांट टू गो. तो इस चेंज को, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप उस प्लान्ड चेंज को इंप्लीमेंट करते हैं देन देयर इज नो टर्निंग बैक. फिर उसमें कोई टर्निंग बैक नहीं है. जब आप एक प्लान चेंज को इंप्लीमेंट कर देते हैं देन देयर इज नो टर्निंग बैक. वापसी का रास्ता नहीं है. देयर इज नो नो वे टू गो बैक. ठीक है, चेंज को इंप्लीमेंट करना जो है दैट्स अ रियल चैलेंज. दैट इज अ रियल चैलेंज. एंड वंस द चेंज इज इंप्लीमेंटेड यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो गोइंग बैक टू फॉर्मर. फॉर्मर मींस पुराने, फॉर्मर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड फॉर्मर वेज ऑफ ऑपरेटिंग. तो फिर इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए हम लिवर्स इस्तेमाल करते हैं. लिवर का कॉन्सेप्ट याद है फिजिक्स में कभी पढ़ा था छोटे होते. लिवर्स बेसिकली क्या होते हैं? लिवर्स आपकी एफर्ट को कम कर देते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर. जैसे पुली पढ़ा था आपने, पुली याद है? पुली इज अ लिवर. पुली जो है ये लिवर है कि आप एक रोप को पुली पे डाल के जब एक वेट को उठाते हैं तो आपकी मेहनत कम लगती है ना. अगर 10 kg का वेट आप वैसे उठाएंगे तो इट वुड बी वर्थ 10 kg ऑफ वेट. लेकिन अगर आप उसे पुली से लिफ्ट करेंगे तो उसका वेट जो है वो आधा रह जाएगा, 50% रह जाएगा उसका वेट. ठीक है ना. तो ये कॉन्सेप्ट है लिवर्स का. ये एक एनालॉजी है बेसिकली. इट इज एन एनालॉजी कि जिस तरह लिवर्स आपकी एग्जर्शन को कम कर देते हैं, जिस तरह लिवर्स आपकी एग्जर्शन को कम कर देते हैं, इस तरह लिवर्स ऑफ चेंज आपकी चेंज की मेहनत को कम कर देते हैं. सो दिस इज एन एनालॉजी. एनालॉजी कहते हैं जब आप किसी दूसरे डोमेन की एग्जांपल देके किसी एक डोमेन को समझाने की कोशिश करते हैं, एनालॉजी कहते हैं. तो लिवर्स ऑफ चेंज एक एनालॉजी है बेसिकली कि चेंज के प्रोसेस को आसान कैसे किया जाए. व्हाट आर, ये सवाल 2 दफा आ चुका है पेपर में. दिस क्वेश्चन हैज अपीयर ट्वाइस इन द पेपर. और ये कब कब आया था इसके अटेम्प्ट देख लें. लिवर्स ऑफ चेंज का जो सवाल है ये पेपर में 2 दफा आ चुका है. दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन हियर मार्च 15 में आया था और सितंबर 15 में आया था. कंजेक्टिव अटेम्प्ट में आया था. कंजेक्टिव अटेम्प्ट का क्वेश्चन था मार्च 15 में और सितंबर 15 में 2015 में. उसके बाद कभी नहीं आया. नेवर एवर टेस्टेड सिंस. बड़ा वाइड ओपन टॉपिक है पेपर के हवाले से. एग्जामिनर कैन टेस्ट इट क्वाइट प्रिसाइजली एंड फेयरली. इजी, आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है. सो लिवर्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? अगेन 7-8 लिवर्स हैं आपके सामने. पहला लिवर है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड ऑफ फॉर चेंज. अगर चेंज की नीड ही क्लियर नहीं है तो चेंज कभी भी सक्सेसफुली नहीं आएगा. और ये लिवर जो है ये कौन लेके आता है? टॉप मैनेजमेंट जो चेंज का स्पॉन्सर होता है बेसिकली, उसकी नीड क्लियर होनी चाहिए. जितनी नीड चेंज की क्लियर होगी, डिजायर्ड रिजल्ट क्लियर होंगे, उतना चेंज आप इफेक्टिवली लेके आए. कमिटमेंट ऑफ द एंटिटीज लीडर टू चेंज. लीडर जो होता है इदारे का, उसकी कमिटमेंट कितनी हाई है. एंटिटी का जो लीडर है उसकी कमिटमेंट चेंज के साथ कितनी स्ट्रांग है. इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन. There has to be two-way communication. Managers should listen and explain why change is needed, what will be the benefits, what are going to be the consequences. Management should have the required qualities to implement the change successfully. अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ये qualities हैं basically. These are the skills of change management. So management के पास required qualities होनी चाहिए जो भी हम discuss करेंगे. ये आगे आ रही हैं, described later. ये भी आगे आ रही हैं. Organizational structure and relationship must be adapted to meet the need for the change. आपका structure, आपके जो relationships हैं वो change के accordingly adapt होने चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहले स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज था, लेकिन अब जो चेंज आप लेके आ रहे हैं वो पुश कर रहा है कि टू हैव अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. रिवॉर्ड सिस्टम शुड बी अमेंडेड, आपको अपने रिवॉर्ड सिस्टम को अमेंड करना पड़ेगा. यू हैव टू रिवॉर्ड पीपल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस टारगेट्स. आपको अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और केपीआईज भी चेंज करने पड़ेंगे. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहते हैं वो फैक्टर्स जो किसी भी फिनोमेना की सक्सेस को इंश्योर करते हैं, हम सीएसएफ कहते हैं. और केपीआईज जो हैं ये सीएसएफ के मेजर्स होते हैं. खैर ये यहाँ पर सिर्फ नाम दिया जा रहा है, एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा. सीएसएफ और केपीआईज पे आप जाके पूरा पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल में. सीएसएफ मींस द फैक्टर्स दैट इंश्योर सक्सेस ऑफ अ फिनोमेना, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेल्स के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइस है, क्वालिटी है, ब्रांड नेम है, ठीक है. और फिर केपीआईज होते हैं, when you measure the CSF, you have to draw some KPIs. KPI कहते हैं key performance indicators. So CSF and KPI should be revised and should be consistent with the change. Employees must be trained, given education, proper training, so that they can meet operational requirements of the change. अगर आप उनके कीवर्ड्स निकाल लें सबके, तो पहला कीवर्ड क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. There has to be a clear need for change. नीड फॉर चेंज अगर क्लियर होगी तो चेंज इफेक्टिवली आएगा, ठीक. दूसरा कीवर्ड क्या है? कमिटमेंट ऑफ द लीडर, लीडर की कमिटमेंट चेंज के साथ. तीसरा कीवर्ड क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगेन कीवर्ड साइड पर लिख लिया करें, इससे याद रहता है. चौथा कीवर्ड क्या है? स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, स्किल्स होने चाहिए चेंज मैनेजमेंट के, ठीक. चेंज मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए. इसी तरह अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्रोप्रिएट. इसी तरह रिवॉर्ड सिस्टम मस्ट बी रीडिफाइंड और चेंज मस्ट बी अडेप्टेड विद द नीड्स. सीएसएफ एंड केपीआईज होने चाहिए, सीएसएफ केपीआईज को आपने दोबारा बनाना है. एंड देयर मस्ट बी ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को आपने ट्रेन करना है, एम्प्लॉयज की आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग को इंश्योर करने. ऑल ऑफ दीज आर द कीवर्ड्स जो किसी भी चेंज प्रोसेस को कामयाब बनाते हैं. सो दीज आर नोन एज लिवर्स ऑफ चेंज, इन्हें लिवर्स ऑफ चेंज कहते हैं. मॉस्केंटर पढ़ा था हमने नाम, रॉबर्ट मॉस्केंटर का. मॉस्केंटर ने कहा था कि चेंज एडेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो कुछ स्किल्स इस्तेमाल करती हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर. मॉस्केंटर की थ्योरी के दो पार्ट्स हैं. मॉस्केंटर की पहली थ्योरी हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, याद करें. मॉस्केंटर ने मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी पे डिबेट की थी. मॉस्केंटर ने कहा था कि व्हाई ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज हैव फेल्ड, बिकॉज दे हैव बिकम अनएक्सेप्टेबली स्लो ड्यू टू लॉन्ग हायरार्किकल चेन्स, स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो इंफॉर्मेशन पासिंग टॉप टू डाउन, ठीक है, बॉटम टू अप. इसने कहा था कि फ्लैटर स्ट्रक्चर होने चाहिए, इसने कहा था एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इसने कहा था कि रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर. तो मॉस्केंटर बेसिकली वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट. मॉस्केंटर बेसिकली प्रोपोनेंट थी चेंज मैनेजमेंट की. शी वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट. इसने कहा था कि जब तक इदारे चेंज नहीं होते, चेंज को सक्सेसफुली मैनेज नहीं करते, इदारे कामयाब नहीं हो सकते. अच्छा, चेंज को लाने के लिए फिर जो मैनेजर्स होते हैं, दे मस्ट बी हैविंग सर्टन क्वालिटीज एंड सर्टन स्किल्स. दे शुड बी हैविंग सर्टन स्किल्स जिसके थ्रू चेंज आएगा. मॉस्केंटर ने कहा कि देयर शुड बी सर्टन स्किल्स एट द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स सो दैट द चेंज कैन बी ब्रॉट सक्सेसफुली. ये स्किल्स कौन कौन से? छह स्किल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग स्किल्स हैं. दे आर सिक्स इन नंबर. लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. पहला स्किल है ट्यूनिंग इन टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के अंदर ट्यून करना, इससे मुराद ये है कि मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली वो डिटरमिन कर सकें कि व्हाट चेंजेस आर डिजायरेबल और नेसेसरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमने एक रोल पढ़ा था मैनेजर्स का, रोल्स ऑफ मैनेजर पढ़े थे हमने हेनरी मिंट्सबर्ग के. उसमें हमने इंफॉर्मेशनल रोल एक पढ़ा था. विच इंफॉर्मेशनल रोल इज अलाइंड विद ट्यूनिंग इन टू द एनवायरमेंट? कौन सा इंफॉर्मेशनल रोल जो है इसमें वही काम करता है मैनेजर जो यहाँ पे बात हो रही है, एनवायरमेंट में ट्यून इन करना? विच रोल इज दैट? इफ एनीवन कैन टेल मी दैट रोल, मैनेजर का वो कौन सा रोल होता है जिसके थ्रू मैनेजर एनवायरमेंट में ट्यून इन करता है? लेजॉन? नो.
मैंने इंफॉर्मेशनल रोल कहा है, लिजॉन एक इंटरपर्सनल रोल है बेटा, मैंने कैटेगोरिकली इंफॉर्मेशनल रोल कहा है, विच रोल इज यूज बाय मैनेजर दैट अलाइंड विद ट्यूनिंग इन टू द एनवायरमेंट, याद आ रहा है? मॉनिटर, नो, मॉनिटर क्या करता है मैनेजर मॉनिटरिंग में, एनवायरमेंट से चेंजेस को ऑब्जर्व करता है ना, फिल्टरिंग करता है इंफॉर्मेशन की, मैनेजर लिसनिंग पोस्ट का रोल प्ले करता है ना, बिकम्स लिसनिंग पोस्ट। लिसनिंग पोस्ट बेसिकली इज द वे मैनेजर मॉनिटर एनवायरमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस, मैनेजर एनवायरमेंटल चेंजेस की मॉनिटरिंग करता है। मॉस्केंटर ने कहा फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी कि पेइंग स्पेशल अटेंशन टू कस्टमर कंप्लेंट्स बिकॉज कस्टमर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेशनल वीकनेस और अनमेट नीड। इसी तरह वो कहते हैं ब्रॉडर साइंस ऑफ चेंज को भी सर्च आउट करें, फॉर एग्जाम्पल कंपेटिटर डूइंग समथिंग डिफरेंटली, कस्टमर यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, इससे पता लगेगा आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है वो और क्या पर्पजेज सर्व किए जा सकते हैं उससे। सो मॉस्केंटर के मुताबिक चेंज का पहला स्किल जो होता है मैनेजर मैनेजर के एंड से वो एनवायरमेंट ट्यून इन करना होता है, टू अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंट, टू नो योर एनवायरमेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज चेंज। सो सबसे पहले तो आपने अपनी एनवायरमेंट को समझना है ताकि आप चेंज के प्रोसेस को कामयाबी से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग प्रीवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजडम, अगला काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल विजडम को चैलेंज करना, टू चैलेंज प्रीवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजडम, कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करना, ओल्डर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जो एक काम एक तरीके से सदियों से होता आया है, इज इट द बेस्ट वे, मैनेजर उसको चैलेंज करेगा ना, उसको चैलेंज करेगा इसी, और क्वेश्चन करेगा एक्सेप्टेड व्यूज को अबाउट व्हाट इज नेसेसरी और द वे दैट द थिंग्स शुड बी डन, ठीक है ना? आप चैलेंज करते हैं ना एग्जिस्टिंग विजडम को, एग्जिस्टिंग थॉट को, ठीक है? आप चैलेंज करते हैं कन्वेंशनल विजडम को, आप एक्सेप्टेड व्यूज को चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में 10 साल से एक प्रोडक्ट एक ही प्रोसेस से बन रहा है, इज दिस द बेस्ट प्रोसेस, इज देयर एनी अदर प्रोसेस जिससे वो प्रोडक्ट और बेहतर बन सकता है, दैट इज हाउ यू चैलेंज द विजडम, दैट इज हाउ यू यू रेज क्वेश्चंस, That is how you raise question. So remember, जब तक आप question raise नहीं करते ना, change नहीं आता। Change लाने के लिए ना आपको question raise करने पड़ते हैं। If you are not able to raise questions, you are not able to bring in the change. आपको question raise करने पड़ते हैं, ठीक है? Exactly. और यही तो R&D का process है। R&D में यही तो होता है कि हम R&D के अंदर question raise करते हैं ना, हम research question put करते हैं। और हम चैलेंज करते हैं एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को कि इज दिस द ओनली वे, इज देयर सम बेटर वे, क्या ये वाहिद तरीका है या क्या इससे बेहतर तरीका कोई और हो सकता है। सो दैट इज हाउ वी आस्क क्वेश्चन। कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पिरेशन, एस्पायर करना, एस्पायर करने का मतलब होता है मोटिवेट करना, अपना विजन किसी को देना, टू अचीव, टू कम्युनिकेट द विजन टू एवरीवन यू डील विद। एक चेंज मैनेजर हैव अ क्लियर आइडिया, पहले तो जो हमने पढ़ा लिवर किया, जो हमने डिस्कस किया कि नीड फॉर चेंज क्लियर होनी चाहिए, पहला पॉइंट नीड फॉर चेंज, फिर उस नीड फॉर चेंज को दूसरों को कम्युनिकेट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं एनवियनिंग, इसलिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एनवियनिंग। एनवियनिंग मीन्स गिविंग योर विजन टू अदर्स, अपना विजन किसी को देना, इसे एनवियनिंग कहते हैं, अपना वीएन किसी को देना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनवीएनिंग, इसे एनवीएनिंग कहते हैं। सो मैनेजर जो है वो पर्सनल कन्विक्शन क्रिएट करता है दैट द चेंज इज नेसेसरी, बिकॉज विदाउट द सेंस ऑफ पर्पस ही विल नॉट बी एबल टू सेल द नीड फॉर चेंज, सेल करता है। अपना वीएन किसी को देने से मुराद ये है कि आप सेल करते हैं अपना वीएन दूसरों को, यू सेल योर वीएन टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में एक आइडिया है, मेरे जहन में एक चेंज है, but I will not be able to implement that change successfully or effectively if I am not able to sell that VN to others. जो बाकी लोग उस change से affect होंगे, क्या मैं उन लोगों को अपना VN sell करने के काबिल हूँ? Am I able to sell my VN to them? If yes, then I might be a good change manager. तो ये है compelling aspirations को build करना। So tuning in the environment,
challenging prevailing or conventional wisdom, communicating a compelling aspiration, building coalitions. Coalition कहते हैं groups को. एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता. One person cannot make the change happen alone. You need support of others. You need cooperation of others with knowledge, with influence, with resources. आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास रिसोर्सेज है, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, so that they can help you make the change happen. इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल आपको मिलती है नबुवत के दौर में, जब नबी पाक ने दुआ की थी कि या उमर को या अबू जहल को, दोनों में से किसी एक को मेरे साथ कर दे अल्लाह ताला. क्यों कहा ये दुआ? भला क्यों की थी ये दुआ? सुनिए ना आपने, यू हैव हर्ड अबाउट इट ना, ये दुआ क्यों की थी नबी पाक ने? क्योंकि alone he was facing a lot of difficulties and these two were the most influential people in Makkah. वो दो जो हैं वो सबसे influential लोग थे ना मक्का में, उमर इब्ने खताब और अबू जहल. ठीक है, so that's why change आप तब तक नहीं लेके आ सकते अकेले जब तक आपको लोगों की support ना हो, और especially the people with knowledge, people with influence और people with resources, people with. खान साहब अकेले change कभी ना लेके आ सकते अगर जहांगीर तरीन साहब साथ ना होते. खान साहब अकेले कुछ ना कर पाते अगर उनके साथ तरीन साहब या ये ना होता, वो क्या नाम है उसका, कौन है यार वो दूसरा बड़ा, वो जो पैसे वाली पार्टी है, एनीवे जहांगीर तरीन तो है ही ना. नहीं नहीं शाह महमूद नहीं, नाम निकल गया थे इनसे. एनीवे तो सो दिस इज हाउ यू हाँ जी वही वही. नहीं भाई फवाद चौधरी कहाँ से आ गया, दे आर नॉट रिसोर्सफुल पीपल. दूसरा अमीर तरीन आदमी कौन है खान की पार्टी में? एक जहांगीर तरीन है, एक दूसरा अमीर तरीन आदमी कौन है? नहीं, लर्निंग टू पर्सवियर, लर्निंग टू परसवियर, परसवेरेंस. परसवेरेंस कहते हैं साबित कदम रहने को. परसवेरेंस का मतलब होता है कि सेटबैक्स और डिफीट्स आपको परेशान ना कर दें. जी परसवेरेंस जो है ना, ये वो गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, ये वाला कॉन्सेप्ट है. अच्छा चेंज मैनेजर, कामयाब चेंज मैनेजर वो होता है जो डिटर्मिंड होता है, जो कंटिन्यू करता रहता है विद द प्रोसेस ऑफ चेंज. Even though there are likely to be setbacks and defeats. आप देखें दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत और सबसे कामयाब मैनेजर हमारे नबी पाक है, the most influential manager. और अब गौर फरमाएं तो ये सारे के सारे स्किल्स उनकी जात में पाए जाते थे. ताइफ का वाकया याद करें, ताइफ का वाकया याद करें, सुना है ताइफ का वाकया? People threw stones on our beloved prophet and he bled. तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा कि अगर आप कहें तो मैं ये ताइफ का पूरा शहर जो है ये दो पहाड़ों के दरमियान इसको तहस नहस कर दूं. And then he still prayed for them because he was persevere. He showed perseverance. ठीक है, उन्होंने perseverance show की. And then making everybody a hero, सबको equal credit देना, सबको उसका equal, giving full credit to everyone who helped introduce change successfully, giving full credit to everybody. इसी इसे कहते हैं, ये भी एक बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है. इंसानी फितरत है कि when we fail, we blame others, but when we succeed, we take all the credit. ठीक है ना, पेपर पास हो जाए तो बड़ी मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा ना खास्ता अगर रह जाए तो आए कि आपने मुश्किल बड़ा बनाया था पेपर. इसी इफ यू सक्सीड यू टेक ऑल द क्रेडिट, बट इफ यू फेल यू ट्राई टू ब्लेम अदर्स. ठीक है, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया. एग्जैक्टली तो ये अच्छा मैनेजर वो होता है जो फुल क्रेडिट देता है दूसरों को उसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो उनको फुल क्रेडिट देता है कामयाबी से चेंज को इम्प्लीमेंट करने का. And they make them feel that their efforts are fully appreciated. उन्हें reward करता है, if possible उनको reward भी करता है. If possible, they also reward them. They also give them some good rewards. So a good change manager does all of this. ठीक है? So ये छह skills हैं
ट्यूनिंग इन टू द एनवायरमेंट, चैलेंजिंग प्रिवेलिंग विजडम, कम्युनिकेटिंग कंपेलिंग एस्पिरेशन, बिल्डिंग कोलिशंस, लर्निंग टू परसवियर एंड मेकिंग एवरीबडी अ हीरो. सो देर आर सिक्स की स्किल्स ऑफ अ चेंज मैनेजर. ये चेंज मैनेजर के छह स्किल्स हैं और ये छह के छह स्किल्स एक चेंज मैनेजर अब कैरी करता है, तो वो बड़ी कामयाबी से इन छह के छह स्किल्स को एग्जीक्यूट करता है. यही क्वेश्चन था जी पेपर का, लिवर्स के ऊपर डिस्कस किया भी हमने. ये क्वेश्चन था पेपर का लिवर्स वाला. ये भी क्वेश्चन जी जो मैंने आपको दिखाया ना, दोनों क्वेश्चन, ये दोनों एग्जांपल्स लिवर वाले क्वेश्चन की हैं. ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये लिवर वाले क्वेश्चन की हैं. ये वाला क्वेश्चन था मार्च 2015 में और ये वाला क्वेश्चन था सितंबर 2015 में. ठीक है, ये जो आपको दो सवाल यहाँ दिखाए हैं ना, ये उसने दोनों क्वेश्चन आगे एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए हैं आपको, लिवर्स के दोनों क्वेश्चन. तो ये आप बुक से पढ़ सकते हैं, खैर हम इसे पढ़ लेंगे बाद में, डजंट मैटर. तो ये एग्जाम्पल्स पढ़ के फिर इंशाल्लाह मॉडल्स ऑफ चेंज पे जाएंगे. तो मैं आपके साथ अब इंशाल्लाह जी इसी, हाँ देखिए अब चूंकि मॉडल है ना, अब चूंकि मॉडल है तो फिर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. लिवर्स में चूंकि मॉडल नहीं है तो लिवर्स में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आप यहाँ पे चूंकि मॉडल में मॉस्केंटर का नाम ले रहे हैं तो मेक श्योर सीक्वेंस होल्ड करना है. यहाँ पे किसी का नाम नहीं है लिवर में, ब्रॉड लिवर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हैं सीक्वेंस. ये बात याद रखें, बड़ा केयरफुल ड्रा करें. व्हेन यू आर मेमोराइजिंग समथिंग विद द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर और यू नो इंडिविजुअल, बी वेरी क्लियर कि फिर आपने उसके सीक्वेंस को फॉलो करना है. ओके, सो नाउ आई गेस दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय योर वेकेशंस मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे. थर्सडे को मेरी थर्सडे ना, सॉरी मैंने वेंसडे कहा था, मेरी थर्सडे की रात की फ्लाइट है. तो हम थर्सडे को क्लास करेंगे 6:30 पे इंशाल्लाह. ठीक है, हम थर्सडे को जरूर मिलेंगे इवनिंग में और थर्सडे को आपको खैरबाद कहूंगा. उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे हम क्लास नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कल. वी विल नॉट हैव क्लास ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे को भी नहीं होगी ऑब्वियसली. फिर 18 संडे को मैं आपके साथ स्केजुअल कम्युनिकेट करूंगा एंड वील मेक श्योर कि 18 से 23 के दरमियान हम कम से कम चार क्लासेस को करें. बिटवीन 18th एंड 23rd वी शुड डू एटलीस्ट फोर क्लासेस. ठीक है जी, हम कम से कम चार क्लासेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर 27 को मेरी वापसी हो जाएगी. आई विल बी बैक ऑन 27th इंशाल्लाह, सो वी कैन हैव रेगुलर क्लासेस फ्रॉम 27th. डन जी, चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स और आई होप दैट यू ऑल गेट व्हाट यू विश फॉर, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. इंशाल्लाह सब बेहतर बेहतर आपके रिजल्ट्स आ जाएं तो खुशखबरियां सुनाइएगा ग्रुप के ऊपर सारे. और खुदा ना खास्ता अगर इन केस अगर कोई रिजल्ट आपके मतलब का नहीं भी आता तो इट्स नॉट अ बिग डील. फेलियर इशू नहीं है, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. फेलियर से लेसन लर्न ना करना चैलेंज है. तो अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में आपको कोई फेलियर इनकाउंटर करना पड़ता है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. फेलियर इज नॉट अ बिग डील. फेलियर से सबक ना हासिल करना ये मसला है बेसिकली. दिस इज द प्रॉब्लम, हम सीखते नहीं है फेलियर से. ठीक है अलीशा, मैंने बताया था कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट का. स्किल्स का जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसी सीक्वेंस में याद करना है. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात होगी आपसे. खुदा हाफिज, खुश रहें, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड. This conference will now be recorded.